हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि क्लास ट्वेल्व का टॉपिक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि आज के कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वैसे तो हम लोगों ने बैक्टीरिया वगैरह सारे किंगडम कर लिए हैं तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि जो सारे किंगडम के या बैक्टीरिया हैं फनजाई हैं ये सारे जो हैं वो डिजीज़ काउस करते हैं लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स कैसे फ़ायदेमंद है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देन सीवेज ट्रीटमेंट में प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में और बायो कंट्रोल एजेंट्स में बायो फर्टिलाइजर्स में तो इन सब में माइक्रोब्स बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हैं इसीलिए किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है एक से, अच्छा होता है और एक बुरा होता है तो दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी है तो आज हम लोग अच्छे पहलू को देखेंगे माइक्रोब्स के सही है तो चलिए पहले माइक्रोब्स को देख लेते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेजर कंपोनेंट होते हैं हमें पता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होते हैं माइक्रोब्स जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि हम लोग हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हैं तो उसमें हर जगह आपको बैक्टीरिया बहुत मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा वाटर में मिलते हैं एयर में मिलते हैं ठीक है हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं हर जगह एनिमल्स में प्लांट्स में हर जगह जो है वो आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे ठीक है और हर जगह मिलते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं तो so, माइक्रोब जो होते हैं वो वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि डीप इनसाइड द गीज़र्स थर्मल वेंट्स जैसे कि हम लोगों ने आर बैक्टीरिया में पढ़ा था है ना थर्मो एसिडोफिलस जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं ठीक है टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हाई रहेगा तो वो जिंदा रहते हैं डीप इन द दॉयल अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवल मीटर थिक ठीक है और इन हाईली एसिडिक इन्वामेंट ठीक है तो ये सारी जगह पर माइक्रोब्स प्रजेंट होते हैं उसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनका बहुत डाइवर्स जो होता है वो बहुत डाइवर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया में भी होता है प्रोटोजोआ फंजाई माइक्रोव माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस वायरसेस में जितने भी प्लांट वायरस हों या में जो वायरस डिजीज काउस करते हैं या फिर ह्यूमन में जो वायरस डिजीज काउस करते हैं तो वो सारे माइक्रोब्स होते हैं वायरोइड्स प्रियोन्स जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है तो ये सारे जो है वो माइक्रोब्स होते हैं लेकिन हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था हम लोगों ने इन सब के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा इन सब का जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखा जो डिजीज़ काउस करते हैं हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कुछ पॉजिटिव वर्क भी हमारे लिए कर रहे होते हैं अगर ये नहीं होते तो बहुत सारे काम हमारे नहीं होते ठीक है बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती ठीक है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है ठीक है तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है तो माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर फंजाई वो न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करते हैं और कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हम लोग आई से देख सकते हैं जब ये कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं ठीक है अगर कोई भी चीज़ पर कोई भी न्यूट्रिटिव मीडिया पे अगर बैक्टीरिया वगैरह अगर वो जमा हो जाते हैं जैसे कि आ, अगर आप लोग देखिएगा कहीं पे भी अगर वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है और ब्रेड है ब्रेड रख दीजिए तो वहाँ पे जो फंगस जो लग जाता है तो वो हम देख पाते हैं क्योंकि वो क्या कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो कॉलोनीज़ के फॉर्मेशन करने की वजह से ही हम लोग उनको नेकेड आई से देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर हो जाते हैं समझ आ गई बात तो जब भी हम लोग कोई भी कल्चर मीडियम में अगर बैक्टीरिया या फंजाई को ग्रो करते हैं तो इसमें ये एक्चुअली में क्या होता है ना इसको स्टडी करने में आसानी हो जाती है क्योंकि हम लोग अपने नेकेड नेगेटाइसिस को देख सकते हैं तो यही वजह होता है कोई भी कल्चर बनाने का ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे माइक्रोब्स हमारा हेल्प करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रोब्स किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं जैसे कि कर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कर्ड इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसका मिल्क से ज़्यादा कर्ड जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है उसके बाद हो गया डो प्रिपरेशन जो हम लोग डो का प्रिपरेशन करते हैं आटा जो गूंदते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ बनाना हो जैसे कि आजकल तो पिज्ज़ा बहुत है तो पिज़्ज़ा बना रहे हैं इडली बना रहे हैं तो इन सब में जो है वो माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है उसके बाद जो है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक जो होते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक तो खैर हम लोग नहीं पीते ना लेकिन जो लोग पीते हैं तो ट्रेडिशनल ड्रिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ट्रेडिशनल ड्रिंक वो भी माइक्रोब्स की वजह से ही बन पाता है चीज़ टेस्टी होता है और जो सबका फेवरेट होता है चीज़ तो जो हर जगह मतलब किसी भी चीज़ को यमी बनाने के लिए चीज़ बहुत ही इस्तेमाल होता है तो चीज़ भी जो है वो माइक्रोब्स की वजह से ही जो है बन पाता है ठीक है तो आप सोच सकते हैं कि अगर माइक्रोब्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा हमारा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्ड जो मिल्क से बनता है वो कैसे बनता है तो जो कर्ड बनता है उसके लिए जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और शॉर्ट में इसको लैब कहते हैं लैब एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि लैक्टोबैसिलस और कुछ अदर बैक्टीरिया मिला करके जो कि मिल्क में ग्रो कर जाते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपको दिख रहा है यमी यमी सा कर्ड दिख रहा है ठीक है लैब जो है वो ग्रोथ के दौरान क्या करते हैं एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को ये देखिए ये पार्शियली डाइजेस्ट करने की बात देख लीजिए कि ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है किसको मिल्क प्रोटीन को मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और लैब कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ठीक है जो कि कॉगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को समझ आ गई बात अब हम लोग जरा इसका प्रोसेस देख लेते हैं जो प्रोसेस है इसका तो क्या करते हैं घर में मम्मी लोग क्या करती हैं कि कट घर में होता है तो उसमें से थोड़ा सा रख देती हैं ठीक है थीके? कि अब दूसरा कट जमाने के लिए होगा ठीक है तो क्या होता है दही में अगर हम लोग को दही जमाना होता है बस एक छोटा चम्मच दही को ले लीजिए उसको जो है वो दूध में डाल दीजिए और फिर क्या बन जाएगा एक रात छोड़ दीजिए अगर ज़्यादा गर्मी है तो रात छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती तो वो क्या होता है उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो क्या हो जाता है जम जाता है अब ये जो छोटा चम्मच है ये आपको जो छोटा चम्मच दिखाई दे रहा है ये इसी को इसी को हम लोग क्या कहते हैं इनोकुलम कहते हैं या स्टार्टर कहते हैं स्टार्टर जो शुरू करता है तो ये क्या करेगा ये एक्चुअली में इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे कर्ड में बहुत सारे, सारे लैब होंगे तो वो लैब क्या करेंगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उनको क्या मिल गया एक मीडियम मिल गया तो वहां पर मिल्क में क्या करेंगे लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से मिल्क में क्या होगा कार्गुलेशन हो जाएगा और कॉर्गुलेशन से क्या होगा मिल्क जो है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाएगा और कड का फॉर्मेशन कर देगा ठीक है और लैब में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं लैब में क्या होते हैं लैब में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि सुइटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड में ठीक है अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस माइक्रोब्स का सिग्निफिकेंस ये है कि इम्प्रूव करता है जैसे कि अगर कर्ड बना है तो इम्प्रूव कर दिया इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को ठीक है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया ये इंक्रीज़ कर देता है वाइटामिन बी ठीक है वाइटामिन बी को इंक्रीज़ कर देता है दूसरी बात अगर हम लोग स्टमक की देखें तो स्टमक में क्या करता है लैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये चेक करता है डिजीज को जो कि माइक्रोब से होते हैं तो एक माइक्रोब्स ही माइक्रोब से जो डिजीज़ होंगे उससे वो रोक देगा ठीक है समझ आई बात तो स्टमक के जो डिजीज होते हैं इसीलिए जब भी पेट खराब होता है तो दही वगैरह पीने के लिए कहा जाता है कि दही पी लीजिए पेट ठीक हो जाएगा है ना तो क्या करते हैं स्टमक में ये जो लैब होते हैं ये जो डिजीज़ होते हैं उसको रोकते हैं समझ आ गई बात अब हम लोग डो प्रिपरेशन की बात कर लें वो बनता है जिसमें एकदम फ्लफी फ्लफी सा जो डो बनता है वो कैसे बनता है ये देख लेते हैं तो जो डो है वो एक्चुअली किस किस चीज़ में यूज़ होता है डो बनाने में बहुत सारी चीज़ डो से बनती है पिज्ज़ा बनता है बहुत यमी यमी सा और उसके बाद फिर बर्गर बनेगा बर्गर का जो बन होता है वो बनता है ब्रेड बनता है बहुत सारी चीज़ डोसा बनता है इडली बनता है ठीक है तो ये सारी चीज़ जैसे कि ये डोसा है ये इडली है ये सारी चीज़ जो है वो किससे बनता है माइक्रोब से बनता है और ये कौन सा माइक्रोब होता है बैक्टीरिया ठीक है ये बैक्टीरिया से इसका फर्मेंटेशन होता है ठीक है समझ आ गई बात तो ये पफ बन जाते हैं तो इनमें क्या होता है इनमें एक्चुअली गैस भर जाती है और वो कौन सी गैस होती है सी ओ टू गैस होती है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसकी वजह से ये पफ़ी हो जाते हैं ठीक है अब देखिए ये जो डो बनता है जिस जिससे जो है वो ब्रेड बनता है वो किससे फर्मेंट होता है तो मैंने अभी बताया कि जो इडली और डोसा का जो डो होता है वो फर्मेंट होता है बैक्टीरिया से लेकिन जो ब्रेड जो बनाने के लिए डो बनता है वो फर्मेंट होता है बेकर्स ईस्ट से और ईस्ट क्या है ईस्ट फंगस है तो सैक्रोमाई से एक्चुअली में क्या करता है फर्मेंटेशन करता है डो का और उससे क्या होता है ये देखिए ये ईस्ट है इस तरह से पाउडर मिलता है और इसी से क्या बनता है इसको इसमें डाल दिया जाता है और इसमें इसी से क्या बनता है ये ब्रेड बनता है और इसमें सीओ टू का अपेयरेंस होता है समझ आ गई बात और क्योंकि ये जो है वो ब्रेड बनता है बेकरी में यूज होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेकर्स ईस्ट कहते हैं ओके okay? अब क्वेश्चन ये है कि कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवेज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू तो मेटाबॉलिक पाथवे पूछ रहा है कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन ऑफ होता है तो यस बिल्कुल बता सकते हैं तो ग्लूकोज जो होते हैं जैसे ही चीज हो आटा हो या मैदा हो उसमें ग्लूकोज ऑब्वियस बात है वो क्या होता है वो जब सिम्प्लस शुगर बनता है तो सिम्पलस शुगर उसमें क्या होता है ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में होता है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पायरुविक एसिडिक एसिड बनने के बाद इसमें दो पाथवे हो सकता है अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है और अगर एब्सेंस हुआ तो एनअरबिक रेस्पिरेशन हो सकता है समझ आ गई बात तो जब एनअरबिक या एसिडिक फर्मेंटेशन होगा अगर हम लोग ईस्ट डाल देंगे या बैक्टीरिया डाल देंगे तो इसमें क्या होगा एनअरबिक एसिडिक फर्मेंटेशन होगा तो एसिडिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ठीक है और यहाँ पे जब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ये टोटली totally ग्लूकोज को तोड़ देता है ठीक है तो टोटल तो ग्लूकोज टूटता नहीं है ना उसमें क्या होता है पार्शियल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल तो ये बनता है तो समझ में आ गई बात तो ईस्ट जो है वो एसिडिक फर्मेंटेशन से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा यही कार्बन डाइऑक्साइड आपका पफ अप कर देगा डो को समझ आ गई बात नेक्स्ट चलते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही फेवरेट एक ड्रिंक है ठीक है और ये कैसे बनता है क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पाम ट्रीज मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पे ये जो सैप होता है पाम का जो सैप होता है वहाँ से उसकी जो फर्मेंटिंग की जाती है उससे क्या बनता है टॉडी बनता है टॉडी हिंदी में इसको ताड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको टॉडी बोलते हैं तो साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये एक मूवी थी बहुत पुरानी उसमें देखिए इस वाले जो सैप पाम के सैप से ना इससे गुड़ भी बनाया जाता है तो सिर्फ टॉडी में नहीं ये गुड़ में भी ये गुड़ भी बनता है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आग पर वो करके बहुत ज़्यादा चला चला के वो गुड़ की एक पपड़ी सी बन जाती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोब्स जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि फर्मेंटेशन के बाद किस किस चीज़ का फर्मेंटेशन हो सकता है फ़िश का फर्मेंटेशन होता है सोयाबीन का फर्मेंटेशन होता है बैम्बू शूट्स का होता है और चीज़ का जो है वो चीज़ का पढ़ेंगे क्योंकि बुक का बुक में जो है वो चीज़ ही दिया हुआ है ठीक है ये सारे फूड जो है वो माइक्रोब से माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से जो है वो बन तो सब हैं। तो बात करते हैं चीज की तो चीज क्या होता है चीज़ एक्चुअली ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो कि जिसमें माइक्रोब्स यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की चीज मिलती है यहाँ पर तो जैसे टेक्सचर अलग होगा फ्लेवर अलग होगा टेस्ट अलग होगा हर तरह की चीज यहाँ पे बनते हैं ठीक है तो उसी में हम लोग दो, दो चीज का नाम पढ़ेंगे एक एक होता है स्विस चीज तो स्विस चीज़ को देख लेते हैं स्विस चीज़ एक्चुअली किससे बनता है बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है प्रोप्योनी बैक्टीरियम शर्मानी तो ये बिल्कुल थोड़ा शर्माता शर्माता हुआ है तो प्रोप्योनी बैक्टीरियम शर्मानी से स्विस चीज़ बनता है और स्विस चीज़ में इसकी खास बात यह है कि इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं ये बड़े बड़े होल्स अगर आप चीज़ लाइएगा तो इसमें अगर बड़े बड़े होल्स हैं तो उसी को हम लोग स्विस चीज़ कहते हैं ठीक है और ये ये भी किससे बनता है इसमें भी ये जो होल होते हैं वो किस वजह से होते हैं सी ओ टू के प्रोडक्शन की वजह से और वो कौन करेगा यहाँ पे बैक्टीरिया करेगा सही है दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है रॉकी फोर्टी चीज और रॉकी फोर्टी चीज जो होता है वो पे, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी से बनता है और इसको राइपेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक फंगस जिसका नाम ये है एनसीआरटी uh, में इसका नाम नहीं दिया हुआ है ठीक है और इसकी वजह से ये एक तरह एक पर्टिकुलर फ्लेवर ये प्रोवाइड करता है इस चीज़ को ठीक है तो इसको कहते हैं रॉकी फोर्ट चीज़ सही है ये इस तरह का कुछ होता है अगर आपने खाया है तो कमेंट में बताइएगा ऐसा चीज़ अगर आपने खाया है मैंने तो नहीं खाया है ठीक है तो अगर किसी ने खाया है चीज़ ऐसा तो प्लीज कमेंट नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का भी बहुत बड़ा अहम रोल है वन बीग के बहुत सारे वैलेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स से बनते हैं जैसे कि बिवरेज हो गए ठीक है और एंटीबायोटिक्स ठीक है तो ये सारे जो है वो माइक्रोब से ही बनते हैं जो बीवरेज होते हैं वो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े टैंकर्स में रखे जाते हैं बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं अगर इंडस्ट्री ऑब्वियस सी बात है जब इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी चीज का प्रोडक्शन करना होता है तो क्या करना होता है उसमें बहुत बड़े बड़े टैंक घर में तो कर नहीं रहे हैं कि छोटे में हो जाएगा चलो काम इंडस्ट्रियल यूज है तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े टैंकर्स यूज होंगे तो वहाँ पे बहुत लार्ज वेसल्स यूज होते हैं जिसका जिसको हम लोग क्या कहते हैं फर्मेंटर्स जहाँ पे फर्मेंटिंग की जाती है ठीक है फर्मेंट किया जाता है कोई भी चीज़ को सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो बिवरेज की बात करते हैं तो ड्रिंक्स जो होते हैं बिवरेज उसी को कहते हैं तो उसमें स्पेशली ईस्ट का इस्तेमाल होता है है ना तो हमेशा से ईस्टी का इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि वाइन हो गया बियर हो गया विस्की ब्रांडी रम ये सब जो है वो किससे बनते हैं ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है उसी से बनते हैं ठीक है थीके? इसका प्रोसेस जो अगेन यही है ग्लूकोज से ग्लाइकोलिस होगा तो पायरुबिक एसिड और पायरुबिक एसिड से जो होगा एनारोबिक आरोबिक यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा एसिडिक फर्मेंटेशन होगा और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा सही है तो इस तरह से जो है वो ये सारे बीवरेज बनाए जाते हैं देखिए यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं या फिर माल्टेड सीरियल्स सीरियल्स को जो है उसकी माल्टिंग कर सकते हैं और दूसरा है फ्रूट फ्रूट जूस तो इन सब से क्या बनता है अगर सीरियल है उसमें भी ग्लूकोज होगा फ्रूट जूस है उसमें भी ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज का एक्चुअली क्या करते हैं ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देते हैं तब्दील कर देते हैं और ईस्ट डाल के करते हैं और उसको एनरबिक कंडीशन में करते हैं ताकि जो है वो उसमें एयर ना ओटू ना जा पाए और इस वजह से ये इथेनॉल मिल अगर ओ टू चला गया अगर उसमें एरोबिक कंडीशन हो गई तो क्या बन जाएगा सिर्फ सी ओ टू प्लस एच टू ओ बन जाएगा ठीक है तो वो तो करना नहीं है हम लोग को क्या बनाना है इथेनॉल बनाना है और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सिर्फ थर्टीन परसेंट अगर इतना परसेंट इथेनॉल बनता है तभी तक ये रहेगा सही है नहीं तो वो ईस्ट भी जो है वो वहाँ पर ख़त्म अगर थर्टीन परसेंट से ज़्यादा होने लगता है तो ईस्ट जो है वहां पे उसके लिए क्या हो जाता है टॉक्सिक हो जाता है ईस्ट के लिए भी थर्टीन परसेंट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इथेनॉल का टॉक्सिक हो जाता है समझ आ गई बात तो ये एक लास्ट परसेंटेज है जो फर्मेंटेड बेवरेज है वो डिपेंड करेगा किस पे रॉ मटेरियल के टाइप पे ठीक है तो फर्मेंटेशन के लिए कैसा रॉ मटेरियल लिया गया है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करेगा प्रोसेसिंग में डिस्टिलेशन प्रोसेस हो सकता है या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है दो चीज़ें हो सकती है विथ और विदाउट डिस्टिलेशन ठीक है प्रोसेसिंग में डिस्टिलेशन ही होता है तो या फिर डिस्टिलेशन हो सकता है या फिर डिस्टिलेशन नहीं भी हो सकता है तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल जो है उसमें फ्रूट जूस आ सकता है फ्रूट जूस में ग्रेप का शुगर के इनका ये सारे जूसेस आ सकते हैं सीरियल्स में बारले राइस ठीक है राइस वाला तो झारखंड वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है राइस का राइस का फर्मेंटेशन करके वो बनाते हैं ड्रिंक बनाते हैं ठीक है तो ये मैंने देखा है ये बहुत वहाँ का फेमस है राइस वाला ओके okay, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है तो डिस्टिलेशन में जो एक्चुअली क्या करते हैं कि जो भी लिक्विड है तो लिक्विड को पहले क्या करते हैं इस लिक्विड को देखिए इसमें यह नीचे से हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे नीचे रखा हुआ है तो यहाँ पर ये हीट प्रोवाइड कर रहा है तो ये जो लिक्विड है जो भी मान लो कि जो फर्मेंटेड लिक्विड uh, है जो फर्मेंट हो चुका है लिक्विड उसको इस जार में रखा गया इस जार में यहाँ पर क्या होगा ये ऑब्वियस बात है जब नीचे से हीट दिया जा रहा है तो यहाँ पे ये क्या होगा ये वेपर बन जाएगा और वेपर बन करके ये यहाँ से निकलेगा ठीक है इसमें कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक एक ठंडा ये एक ठंडा वो दिया रहता है कूलिंग के लिए तो यहाँ पे जैसे ही वेपर बनेगा इसमें जाएगा वेपर तो वो कोल्ड होकर के फिर से लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा ठीक है तो डिस्लेशन प्रोसेस यही होता है डिस्लेशन प्रोसेस में कुछ नहीं ज़्यादा होता है सिर्फ लिक्विड को वेपर में तब्दील करते हैं और फिर कंडेंस करके वापस लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं तो जो भी जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें बच जाता है बाकी जो डिस्टिल्ड जो होते हैं इसीलिए जो जो ब्रांडेड होते हैं विस्की हो गया ब्रांडी हो गया ये सारे जो होते हैं ज़्यादा महंगे होते हैं ठीक है वाइन और बियर से ठीक है जिसको हम लोग देसी दारू कहते हैं तो वो सब जो है वो क्या होते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते जो ब्रांड वाले होते हैं ना जो होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं तो उनमें डिस्टलेशन प्रोसेस भी हुआ होता है तो इसी वजह से ठीक है वो ज्यादा महंगे होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक जो कि ऑप्टेन किया जाता है तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा यूज होता है और डिस्टिलेशन ऑफ फोमेंटेड ब्रोथ के, कौन कौन सा होता है तो वाइन जो होते हैं वो फ्रूट से निकलते हैं बियर जो होते हैं वो सीरियल से बनते हैं ठीक है सीरियल से बियर बनते हैं फ्रूट से वाइन बनते हैं वाइन जैसे ग्रेप वाइन बोलते हैं ना तो ग्रेप वाइन से याद रखिए ग्रेप एक फ्रूट है वाइन फ्रूट जूस का क्या होता है फर्मेंटेड लिक्विड है ग्रेप वाइन से याद रखिएगा वाइन किससे बनेगा फ्रूट से बनेगा तो दूसरा वाला तो बी और सी से याद हो जाएगा बियर और सीरियल्स ठीक है तो बियर किससे बनेगा सीरियल से बनेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन से जो डिस्टिलेशन से बनता है तो नाम कैसे होता है देखो फ्रूट फ्रूट जूस से ब्रांडी बनेगा सीरियल से विस्की बनेगा तो अब एक चीज तो हमें याद हो गई है विदाउट डेस्टिलेशन वाला कि विदाउट डेस्टिलेशन में क्या होता है ग्रेप वाइन से ग्रेप वाइन से यानी फ्रूट से वाइन बनता है अब डेस्टिलेशन में आ जाओ फ्रूट से ब्रांडी तो यहाँ पे W, यहाँ पे B यहाँ पे B यहाँ पे W समझ आ गई बात तो एक याद रखना है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा तो फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं देखिए जैसे ग्रेप वाइन से वाइन याद हो गया ठीक है तो वाइन जो है वो फ्रूट से बन गया ये याद हो गया ना तो अगर डेस्टिलेशन में जाएगा तो उसका नाम ब्रांडी हो जाएगा बी से शुरू होगा ठीक है और वो किससे बनेगा फ्रूट से बनेगा बियर बी और सी से याद हो गया बियर किससे बनेगा सीरियल से बनेगा तो विस्की बी और यहाँ पे डब्लू तो डब्लू वाला भी सीरियल से बनेगा यानी विस्की भी सीरियल से बनेगा ड्रम को याद कर लेना है कोई मसला नहीं है शुगर केन ओके नेक्स्ट जो आता है वो एंटीबायोटिक्स मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दूसरा जो प्रोडक्ट है वो एंटीबायोटिक्स होता है तो एंटीबायोटिक्स पढ़ लेते हैं एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में ट्वेंटी सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हुई ठीक है और एंटी का जो मतलब होता है एंटी एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट हम लोग बोलते हैं यार एंटी हो क्या किसी भी चीज़ में एंटी हो अगर कोई किसी के अगेंस्ट है तो बोलते हैं एंटी हो क्या और बायो का मतलब सबको पता है बायो का मतलब होता है लाइफ इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो अगेंस्ट लाइफ क्या एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ होता है बिल्कुल नहीं होता तो फिर ये क्यों कह रहा है तो ये हमारे रेफरेंस में नहीं कह रहा ठीक है हम लोग अपने रेफरेंस में मानते हैं ना कि एंटीबायोटिक प्रो लाइफ होता है तो हमारे रेफरेंस में नहीं कह रहा है ये जो डिजीज काउज करेगा ना उसके रेफरेंस में उसके लिए तो एंटी हो जाएगा हमारे लिए तो फायदेमंद है लेकिन जो डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया वगैरह है उसके लिए ये क्या हो जाएगा ये अगेंस्ट हो जाएगा तो ये किसके लिए अगेंस्ट हो रहा है ये जो डिजीज काउजिंग बैक्टीरियाज हैं उनके लिए अगेंस्ट हो रहा है इसीलिए अगेंस्ट लाइफ इसीलिए इसका नाम एंटीबायोटिक्स पड़ा ठीक है तो ये एक्चुअली ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है लेकिन डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट लाइफ है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इसके एंटीबायोटिक्स होता क्या है इस पर बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स एक्चुअली में एक केमिकल होता है ठीक है एंटीबायोटिक्स क्या होता है केमिकल होता है केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रोब से ही निकलता है ठीक है तो कुछ माइक्रोब्स हमारे क्या होते हैं साथी भी होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स देंगे हम लोगों को तो माइक्रोब से निकलता है और ये किल करता है या फिर रिटार्ट कर देता है ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज़ ये अपने ही जो है वो कम्युनिटी के क्या होते हैं दुश्मन हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो गए और अपने कम्युनिटी के लिए क्या हो गए दुश्मन हो गए तो एक माइक्रोब जो है वो दूसरे जो डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब है उसको क्या होता है उसको क्या करता है किल कर सकता है रिटार्ड कर सकता है ठीक है जैसे कि कोई भी एक कम्युनिटी होती है ना उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कुछ बुरे लोग भी होते हैं तो सेम यहाँ पे भी कुछ अच्छे माइक्रोब्स होते हैं कुछ बुरे माइक्रोब्स होते हैं तो कुछ जो बुरे माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं हम लोगों को डिजीज़ काउस कराते हैं और कुछ जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं उस डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं मार देते हैं ठीक है तो हर चीज़ का दो पहलू है मैंने शुरू में ही बताया हर चीज़ का दो पहलू है कुछ अच्छा कुछ बुरा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इसकी डिस्कवरीज़ के ऊपर तो सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी वो वो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट डिस्कवरी पेनिसिलिन की हुई थी और ये एक चांद डिस्कवरी थी ठीक है अचानक डिस्कवरी हो हो गई थी ठीक है काश हम लोग से भी कोई अचानक डिस्कवरी हो जाती खैर तो ये हैं भाई साहब कौन है भाई साहब ये ये हैं भाई साहब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट ठीक है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि वर्क कर रहे थे स्टेफाइलो कॉकाई बैक्टीरिया पे तो इस्टेफाइलो कॉकाई ये शायद वर्क ही कर रहे हैं यहाँ पर तो इस्टेफाइलो कॉकाई बैक्टीरिया ये वर्क कर रहे हैं फ़ोटो खिंचा रहे हैं या वर्क कर रहे हैं देख लीजिए पता नहीं लग रहा है फोटो खिंचा रहे हैं ठीक है साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं तो स्टेफाइलो कॉकाई बैक्टीरिया पे ये वर्क कर रहे थे और क्या हुआ अचानक अचानक ये हुआ कि इन्होंने क्या देखा क्या ऑब्जर्व करते हैं स्टेफाइलो कर रहे हैं देख लीजिए कर रहे हैं किस पे वर्क स्टेफाइलो कॉकाई बैक्टीरिया पे ठीक है क्या ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक मॉल्ड है ठीक है एक मॉल्ड है जो ग्रो कर रहा है इनके अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में ठीक है अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में अराउंड विच स्टेफाइलो कोकाई कुड नॉट ग्रो तो जहाँ पर स्टेफाइलो कोकाई ग्रो नहीं कर रहा है वहाँ पर एक मॉल्ड ग्रो कर रहा है ठीक है समझ आई बात जैसे कि एक डिश है। मान लीजिए यहाँ इस वाले एरिया में एक मॉल्ड ग्रो कर रहा है और यहाँ पे देखा इन्होंने कि स्टेफाइलो कोकाई बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा है क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया मतलब ये कर रहे हैं कल्चर किस चीज का स्टेफाइलो का ये कल्चर किस लिए किसका कर रहे हैं ये कर रहे हैं कल्चर स्टेफाइलो का लेकिन क्या हुआ स्टोफाइल काकस ही ग्रो नहीं कर रहा है कौन सा ग्रो कर रहा है एक दूसरा मॉल्ट ग्रो कर रहा है और ये पेटरी डिश इनका क्या है अनवॉश्ड है तो इन्होंने धोया नहीं था भूल गए होंगे तो इन्होंने धोया नहीं था इस पेटरी डिश को और स्टेफाइलो बैक्टीरिया क्या हुआ वहां पर ग्रो ही नहीं कर रहा है वहां पर दूसरा मॉल्ट ग्रो कर रहा है ये यहाँ पे देखिए दूसरा मॉल्ट ग्रो कर रहा है तो बड़े परेशान हो गए बेचारे तो इन्होंने कहा सोचा कि आखिर ऐसा है क्या है इसमें ठीक है तो इनको पता चला कि ये एक्चुअली एक केमिकल है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर इन, इनको लगा कि भाई क्यों नहीं ग्रो कर रहा है तो फिर इन्होंने देखा पूरा ऑब्जर्व किया जाहिर सी बात है साइंटिस्ट है ना तो इन्होंने देखा कि एक्चुअली ये जो मॉल्ड है ना यहाँ पे जो मॉल्ड आप ये जो यहाँ पे जो मॉल्ड है ये एक्चुअली क्या कर रहा है एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है हैं कौन सा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है एस्टिफाइलो का बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा है तो बोले अच्छा तो इन्होंने कहा कि फिर इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने नाम दे दिया पेनिसिलिन और ये नाम दिया ये जो मॉल था इन्होंने मॉल था मॉल का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम तो उसी नाम पे जो केमिकल था जो पेनिसिलियम नोटाटम रिलीज कर रहा था तो उसका नाम क्या दे दिया केमिकल का नाम दे दिया पेनिसिलिन ठीक है तो पेनिसिलिन इज़ एंटीबायोटिक ठीक है इनका इफेक्टिव नेचर अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने ही इसका फुल पोटेंशियल बताया था और फिर बाद में क्या हुआ ये इफेक्टिव नेचर पता चलने के बाद जब वर्ल्ड वॉर टू होता है तो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता है जो उन्डेड सोल्जर्स थे उनको पेनिसिलिन से ही ट्रीट किया जाता है और फिर उसके बाद 1945 में फ्लेमिंग को चेन को और फ्लोरे को इन दोनों इन तीनों को नोबल प्राइज़ से नवाजा जाता है ठीक है बहुत अच्छा काम किया था क्योंकि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हमारे लाइफ के लिए बूंद साबित हुई थी ठीक है और अमेरिकन सोल्जर्स के लिए बूंद साबित हुई थी ठीक है ओके okay. अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है एंटीबायोटिक और बहुत जो डेडली डिजीज थे उनको भी आ, क्या करते हैं ये कंट्रोल कर लेते हैं जैसे प्लेग हो गया होपिंग कफ हो गया जिसको हम लोग काली खांसी कहते हैं दिपथेरिया जिसको गालघोटू कहते हैं लेपरोसी जिसको हम लोग कुछ रोग कहते हैं तो इन सब के लिए क्या क्या है एंटीबायोटिक्स मौजूद है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया अब तो एंटीबायोटिक्स का बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं। अब चलते हैं केमिकल्स की तरफ तो केमिकल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से तो माइक्रोब जो है वो कमर्शियल बेसिस पे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए केमिकल जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गए उसके बाद एल्कोहल्स हो गए और इन्ज़ाइम्स हो गए या फिर बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स ये सारे जो हैं वो इंडस्ट्रियल बेसिस पे निकाले जाते हैं तो हम लोगों ने एल्कोहल्स तो पढ़ लिया है ना तो एल्कोहल्स कैसे बनते हैं ये तो हमने पढ़ लिया तो हम लोग पहले केमिकल्स को देख लेते हैं ठीक है तो केमिकल्स देख लेते हैं जो एसिड प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है ठीक है और ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और ये एक बैक्टीरिया है और ब्यूटैरिक एसिड प्रोड्यूस करता है लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है सेक्रोमाइसिसाई जो कि एक फंगस है ईस्ट है

तो ये क्या होता है ये ईस्ट ही होता है जाहिर सी बात है और क्या प्रोड्यूस करता है इथेनॉल प्रोड्यूस करता है तो सिर्फ एक बचा जो कि हम लोगों को याद करना पड़ेगा जो कि एस पर जील्स नाइगर जो कि एक फंगस है और वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो आई थिंक एक तो याद कर ही सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इंजाइम्स के ऊपर तो इंजाइम्स में देख लेते हैं तो इंजाइम्स में हम लोग एक इंजाइम जो है वो लाइपेज है लाइपेज हमें पता है किस चीज़ फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज होता है लाइपेज इंजाइम होता है तो यहाँ पर एक्चुअली इंडस्ट्रियल लेवल पे लाइपेज जो है वो डिटर्जेंट का फार्मूलेशन करता है तो ये क्या करता है हेल्प करता है रिमूविंग ऑयल स्टेंस ठीक है तो लॉन्ड्री uh, से जो ऑयल स्टेंस रिमूव करता है वो लाइपेज ही करता है और ये डिटर्जेंट का फॉर्मूलेशन के लिए यूज़ होता है फिर पैक्टिनेज और प्रोटीएज है देखिए प्रोटीएज यहाँ पे लिखा है ठीक है तो ये प्रोटीएज भी है तो प्रोटीएज है ये दोनों क्या करता है जो हम लोग जूसेस पीते हैं ना जो जैसे कि हम लोग माजा पीते हैं है ना तो माज़ा हो गया ठीक है फ्रूटी हो गया तो इन सब का क्लियर जैसे कि हम लोग अगर घर में जूस बनाते हैं तो घर में जूस कैसा होता है गंदा सा होता है एकदम मतलब क्लियर नहीं होता लेकिन जब हम लोग मार्केट से जूस लेते हैं तो मार्केट का जूस कैसा होता है बिल्कुल क्लियर होता है तो वो जूस का जो क्लियरिंग होता है क्लरीफाई कौन करता है यही पैक्टिनेज और प्रोटीज जो है इंज़ाइम करता है सही है उसके बाद जो है तीसरा जो एंजाइम है वो है स्टप्टोकाइनेस इस्टेप्टोकाइनेस को हम लोग क्या कहते हैं क्लॉट बस्टर कहते हैं क्लॉट बस्टर क्लॉट का मतलब होता है थका जमना मतलब खून का जमना तो क्लॉट को बस्ट क्लॉट को बस्ट कर देना तो यानी अगर खून जमा हुआ है तो इसको बस्ट कर देगा ठीक है उसको रवानगी दे देगा खून को ठीक है तो अगर ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी इंसान को कि भी किसी भी इंसान के ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो गया है तो उसको बर्स्ट कर देगा तो जाहिर सी बात है वहां पे क्लॉटिंग नहीं होगी वहां पे ब्लड वेसल से फिर से ब्लड फ्लो करने लगेगा तो पेशेंट को दिया जाता है जो कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जिसको हो जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्चुअली ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स तो हार्ट मसल्स में अगर ब्लड फ्लो रुक जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्लॉकेज हो जाएगा उस ब्लड में उस ब्लड वेसल्स में तो जो कि हार्ट मसल्स को जा रहा है तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक तो आना ही है तो हार्ट अटैक आ सकता है तो वैसे इंसान को क्या दिया जाता है स्टेप्टोकाइनेस दिया जाता है और स्टेप्टोकाइनेस जो बैक्टीरिया से निकलता है वो कौन बैक्टीरिया होता है स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया से और अब इसको मॉडिफाई भी कर दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग जब से आ गया है तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया है ठीक है और उसके बाद आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में हम एनसीआरटी में दिया हुआ है वो ये है साइक्लोस्पोरिन ए स्टैटिन है तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो किस माइक्रोब से निकलता है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम से जो कि एक फंगस है और ये यूज होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के जैसे और एक्चुअली में जब ऑर्गन ट्रांटेशन होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किसी भी अगर दूसरे इंसान का ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है मान लो कि जिस भी जिस भी ह्यूमन में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है तो इसका जो इस बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑब्वियस बात है उस उस जो है वो ऑर्गन से ऑर्गन को क्या करेगी रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी तो इसी वजह से इम्यूनो सप्रेसिव दिया जाता है इम्यूनो सप्रेसिव होने का मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्योंकि हमारा इम्यूनिटी तो है जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है तो समझेगी कि ये फॉरेन पार्टिकल है ठीक है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये मेरा सेल है क्योंकि दूसरे से आया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो अनमैच होगा ही पूरा जीन तो मैच होता नहीं है तो इसी वजह से इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दिया जाता है और वो कौन होता है साइक्लोस्पोरिन ए होता है दूसरा है है दूसरा जो से निकलता मोनास्कस परप्यूरस ये ये ईस्ट है ठीक है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जिसका भी ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसको दिया जाता है तो ये स्टार्टिन वो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन करता है एंजाइम से जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसके साथ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन करेगा और कोलेस्ट्रॉल को बने नहीं देगा ठीक है इसी वजह से इसको क्या कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट सही है और ये किसकी वजह से होता है मोनास्कस परप्यूरियस की वजह से ठीक है अब आते हैं बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट पे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो कि बहुत ही अहम जो है मुद्दा है हमारी सोसाइटी का तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए माइक्रोब्स हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं तो देख लेते हैं सीवेज क्या होता है सीवेज एक्चुअली मेजर कंपोनेंट है हमारा वेस्ट जो वाटर होता है जैसे कि ह्यूमन स्क्रीटा वगैरह का ह्यूमन स्क्रीटा ही सबसे मेजर कंपोनेंट है और म्यूनिसिपल वेस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं सीवेज कहते हैं तो सीवेज में क्या होता है सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होता है ठीक है ये दो चीज़ें सीवेज में होती ही होती हैं और ये सीवेज में जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं यानी डिजीज काउजिंग होते हैं समझ आ गई बात अब हम लोग चलते हैं कि सीवेज को जो ट्रीट किया जाता है उसको कहाँ ट्रीट किया जाता है उसके बाद उसका प्रोसेस क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे तो सीवेज ट्रीट जो किया जाता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है और इसको लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है ताकि इन्वामेंट को भी तो बचाना है ना तो लेस पॉल्यूटिंग बनाना है अपने इन्वामेंट को तो सीवेज को ट्रीटमेंट देने के लिए तो क्या करते हैं जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है खाना जो है वो किससे लेंगे सीवेज से ही लेंगे तो वो प्रेजेंट होते हैं नेचुरली सीवेज में ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होती है तो so, सीवेज में वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स अब हम लोग बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए क्या दो स्टेजेस होते हैं और ये दो स्टेजेस कौन कौन से होते primary. हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो प्राइमरी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें क्या होता है देखिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो प्रीलिमिनरी pre, ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या करते हैं स्क्रीनिंग करते हैं सीवेज को पहले लेते हैं सीवेज को उसके बाद फिर क्या करते हैं सेडिमेंट कराते हैं मतलब जो सीवेज में जो, 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 जो भी आ, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे है ना जो ईटा ढेला पत्थर वगैरह होगा वो सब नीचे बैठ जाएगा उसके बाद उसके ऊपर वाले पार्ट को लेंगे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इफ़्लुंस कहते हैं उसको उसको ले करके फिर उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डालेंगे फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से फिर सेडिमेंटेशन में डालेंगे उसके बाद सेडिमेंटेशन में डालने के बाद फिर उसमें बैक्टीरिया वगैरह उगाते हैं तो हम लोग सारा जो सिस्टम है वो एक तरह से पूरा पढ़ेंगे ठीक है तो एक एक करके सब हम लोग पढ़ते हैं तो चलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो स्टेजेस होते हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली इसमें पार्टिकल्स का रिमूवल होता है जो फिज, आ, फिजिकल रिमूवल होता है जो पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका सबका रिमूवल होगा और ये कौन से प्रोसेस से होगा तो पहला तो फिल्ट्रेशन से हो जाएगा दूसरा सेडिमेंटेशन से हो जाएगा तो चलिए देखते हैं फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन की तो फिल्ट्रेशन में शुरू में क्या करते हैं जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं वो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन fil से निकाल देते हैं ठीक है जो फ्लोट कर रहे होंगे डेब्रिस है ना जो जो भी चीज़ें फ्लोट कर रही होंगी सीवेज में उसको सबसे पहले सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट से सिक्वेंशियल फ़िल्ट्रेशन से निकाल देते हैं और उसके बाद जो बचेगा सीवेज का उसको हम लोग क्या करते हैं सेडिमेंट कराते हैं सीवेज को लेंगे सीवेज को क्या करेंगे जो फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको अलग करने के बाद जो बचेगा उसमें से ग्रिट अलग कर देंगे तो सेडिमेंटेशन को करा देंगे ग्रिट को ग्रिट मतलब ईटा बालू पत्थर होगा ये सारी चीजों को क्या करेंगे सेडिमेंटेशन करा देंगे और सेडिमेंटेशन के बाद क्या करते हैं सेडिमेंटेशन के बाद जो सॉलिड जो सेटल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी स्लज कहेंगे ये जो सॉलिड पार्टिकल जो नीचे बैठ जाएगा जाहिर सी बात है सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है तो वो नीचे बैठ जाता है तो सॉलिड जो होता है वो नीचे बैठ जाएगा और ये जो सॉलिड नीचे बैठेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी स्लज कहेंगे ठीक है सॉलिड से स्लज याद रखिएगा तो सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे स्लज कहेंगे और जो ऊपर वाला जो सुपर होगा वो क्या होगा जो पानी की शक्ल में होगा वो इफ्लुएंस कहलाएगा ठीक है अब क्या करेंगे इफ्लुएंस को हम लोग लेंगे और इफ़्लुएंस को ले, लेने के बाद क्या करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे ठीक है तो अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अलग अलग टैंकर्स में भेजे जाते हैं तो सबसे पहले होगा लार्ज एरेशन टैंक में भेजा जाएगा फिर सेटलिंग टैंक में भेजा जाएगा फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाएगा ठीक है तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं ठीक है एरेशन से पता ही चल रहा है जहाँ पे एयर प्रोवाइड करना होगा उसके बाद क्या करना होगा एरेशन टैंक में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं इस तरीके ये एजिटेशन जो होता है वो कैसे होता है मैकेनिकली होता है मैकेनिकल मैकेनिकल प्रोसेस से होता है और इसमें एयर को पंप किया जाता है एरेशन नाम ही है तो एयर इसमें पंप होगा सही है जिसकी वजह से क्या होता है जो एरेशन हो जाता है जो एयर पंप हो जाता है तो वो क्या करता है वो अलाउ करता है वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स तो एरोबिक माइक्रोब्स का क्या होगा ग्रोथ होगा और ग्रोथ कैसे होगा मासेस में होगा जाहिर सी बात है ग्रोथ कैसे होगा ग्रोथ मासज में होगा जाहिर सी बात है कोई भी एरेबिक बैक्टीरिया उसमें एयर तो आ गया तो एयर आ गया तो बैक्टीरिया तो लार्ज एरेशन टैंक में क्या होगा एरबिक माइक्रोब्स का क्या होगा ग्रोथ होगा और ग्रोथ कैसा होगा फ्लॉक्स में होगा यानी में होगा बहुत ढेर सारा होगा ठीक है और वैसे मासेस में होगा जो कि बैक्टीरिया जो होगा एसोसिएटेड होगा फंगल फिलामेंट से उसी को हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स ठीक है तो फ्लॉक्स किसको कहेंगे जब बैक्टीरिया एसोसिएटेड होगा फंगल फिलामेंट से और एक मिश लाइक -like स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा ठीक है तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स और कौन सा बैक्टीरिया होगा एरोबिक बैक्टीरिया होगा ग्रोइंग के दौरान क्या होता है ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेजर पार्ट जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर का वो क्या कर लेते हैं कंज्यूम कर लेते हैं तो एरबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे और जाहिर सी बात है बैक्टीरिया को खाने की जरूरत होगी तो वो क्या लेंगे ऑर्गेनिक मैटर लेंगे किसका ऑर्गेनिक मैटर लेंगे जो प्राइमरी इन्फ्लुएंस था जो इन्फ्लुएंस प्राइमरी टैंक से आया था जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा वो क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे सही है तो उसको ग्रोथ करने के लिए उसका मासिस को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर की तो जरूरत पड़ेगी ठीक है तो उसी में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको कंज्यूम कर लेंगे इससे क्या होगा जैसे एरोबिक बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया क्या लेगा ऑक्सीजन लेगा ठीक है ऑक्सीजन लेगा ना ठीक है और ऑक्सीजन कैसे आया था एरेशन टैंक में एजिटेशन की वजह से आया था एयर पंप हुआ था ठीक है एरोबिक बैक्टीरिया है ये याद रखिएगा कि एरेशन टैंक में क्या होता है एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि मासेज में ग्रोथ होता है और मासेस जो होता है उसको क्या कहते हैं फ्लॉक्स कहते हैं क्योंकि वो फंगल फिलामेंट से अटैच होता है ठीक है अब ठीक है एरोबिक बैक्टीरिया हो गया एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा और जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन भी लेगा फ्लुएंस का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिड्यूस कर देगा सही है तो इफ्लुएंस का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस कर देगा इसका मतलब समझिए कि क्या होता है बायो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बी ओ डी ये क्या होता है बी ओ डी एक्चुअली ये होता है जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम करेगा अगर सारे ऑर्गेनिक मैटर एक लीटर पानी में वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बैक्टीरिया के तो जाहिर सी बात है कि जब एरोबिक बैक्टीरिया कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहा है और उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ऑर्गेनिक मैटर ही घटता चला जाएगा तो क्या इफ्लुएंस का बीओडी नहीं घटेगा बिल्कुल घटेगा जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करेगा उस इफ्लुएंस का बीओडी क्या होगा घटता चला जाएगा ठीक है तो बीओडी समझ लिया बीओडी क्या होता है ऑक्सीजन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा वो जो कंज्यूम होगा अगर ऑर्गेनिक मैटर वन लीटर वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बैक्टीरिया से जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा और वैसे ही वैसे बी ओडी का घटता चला जाएगा ठीक है तो सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक बी ओडी रिड्यूज ना हो बी -डी मैंने बता दिया जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा कंज्यूम करेगा ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेगा ठीक है जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूज होगा उसी तरीके से बीओडी भी रिड्यूज होगा क्योंकि बीओडी क्या होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ठीक है और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उतना ही कंज्यूम होगा जितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूज होगा बी भी रिड्यूज होता चलेगा और जब तक बी रिड्यूस नहीं होता यानी सीवेज को ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस नहीं होता तब तक सीवेज वाटर को क्या किया जाता है ट्रीट किया जाता है ठीक है जो रिड्यूस हो रहा है उसको टेस्ट कैसे करना है तो बी टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है एक सैम्पल ऑफ वाटर ले लेते ले हैं उसमें क्या करते हैं ऑक्सीजन है? का रेट जो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन है उसका रेट जो है वो मेजर करते हैं ठीक है बी ओ डी इज़ द मेजर मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो मैंने बता दिया कि बी ओ डी घटेगा कब बी ओ डी घटेगा कब जब ओ एम घटेगा ठीक है तो ऑर्गेनिक मैटर का मेजरमेंट भी उसी से पता कर लेते हैं कि वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का मेजरमेंट क्या है ओके okay? और बी ओ डी वेस्ट वाटर का जितना ज़्यादा होगा उतना ही जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बीओडी होगा ज़्यादा ठीक है ऐसे समझिए बीओडी ज़्यादा हुआ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा ठीक है और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है सीवेज वाटर वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है ठीक है ना ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो सीवेज वाटर का पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा ठीक है तो वाटर को सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी को कम नहीं कर लिया जाता अब क्या करते हैं बीओडी कम हो गया ठीक है हमने मेजर कर लिया कि बीओडी जो है वो कम हो गया है तो कम होने के बाद क्या हो करते हैं कि जो इफ्लुएंस होता है उसको फिर सेटलिंग टैंक में क्या करते हैं भेज देते हैं सेटलिंग टैंक में क्या होता है यहाँ पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे उनको सेडिमेंट करा दिया जाता है यहाँ सेटलिंग टैंक में क्या होगा जो फ्लॉक्स होंगे उनको क्या किया जाएगा सेडिमेंट करा दिया जाएगा जो एरोबिक बैक्टीरिया का जो फ्लॉक्स था उनको सेडिमेंट करा दिया जाएगा और उस सेडिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज ठीक है एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहते हैं क्योंकि वो जो है वो अ, लिविंग भी होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया तो जाहिर सी बात है लिविंग होंगे तो एक्टिव होंगे तो एक्टिवेटेड स्लज इसीलिए कहते हैं सही है एक था प्राइमरी स्लज और दूसरा हो गया एक्टिवेटेड स्लज ओके तो यहाँ पे सेडिमेंट्स को क्या कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज अब क्या करते हैं एक्टिवेटेड स्लज तो नीचे बैठ गया तो एक स्मॉल पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का ये इसका एक्टिवेट क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज में क्या है बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया है ठीक है तो एक इसका स्मॉल पार्ट जो है वो डाल देते हैं एरेशन टैंक में फिर से तो एरेशन टैंक में क्या एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करते हैं उसका ग्रोथ करवाते हैं सही है तो जब किसी चीज का स्मॉल अमाउंट डालते हैं तो उसको इनोकुलम या स्टार्टर कहते हैं तो वापस इसको एरेशन टैंक में डाल देंगे बाकी जो मेजर रिमेनिंग पार्ट है वो कहा चला जाएगा डाइजेस्टर में एनअरबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है ये देख लेते हैं तो यहाँ पे समझ आ गई बात एक्टिवेटेड स्लज जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो एरेशन टैंक में डाल दिया जाएगा बाकी जो मेजर पार्ट जो है वो इसका कहां चला जाएगा मेजर पार्ट चला जाएगा एन स्लज डाइजेस्टर में तो यहाँ पे स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए एक डाइजेस्टर रहता है और यहाँ पे एनरोबिक कंडीशन रहती है ठीक है इसको देख लेते हैं इसमें क्या होता है तो एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एक अदर काइंड का बैक्टीरिया होता है जो कि एन ग्रो करता है ठीक है और वो डाइजेस्ट कर लेगा जो एरोबिक बैक्टीरिया था और जो फनजाई था यानी जो फ्लॉक्स था उसको उसको क्या कर लेगा डाइजेस्ट कर लेगा और वो कैसे करता है एनरोबिकली करता है ठीक है विदाउट ऑक्सीजन करता है ओके और डाइजेशन के दौरान क्या होता है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है क्या क्या मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है ये सारे गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया और ये गैसेस आपको पता है किस में होता है बायोगैस में होता है तो ये गैसेस फॉर्म करते हैं बायोगैस इसी को बायोगैस कहते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और ये इनफ्लेमेबल होता है ओके okay? उसके बाद जो इफ्लुएंस होता है जो बच जाएगा जो इफ्लुएंस क्योंकि ये सारा काम तो क्या हुआ एक्टिवेटेड स्लज का हुआ अब जो इफ्लुएंस जो बच जाएगा उसको क्योंकि वो साफ़ हो चुका है तो वो सेकेंडरी जो है वो क्या बनाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंस बनाएगा और इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा नेचुरल वाटर बॉडीज़ में वो क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन होता है रिवर्स में स्ट्रीम्स में उसको क्या किया जाएगा रिलीज़ कर दिया जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट को अगर हम लोग देख लें तो फिर से हम लोग देख लेते हैं तो प्रीलिमिन्रीरी ट्रीटमेंट में क्या होता है स्क्रीनिंग हो जाती है सबसे पहले तो उसकी स्क्रीनिंग होती है फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है और उसके बाद लास्ट में एक्टिवेटेड स्लज जो होता है उसका ट्रीटमेंट होता है एनर्बिक बैक्टीरिया से ठीक है और उससे बायोगैस निकलता है और यहाँ पर जो इफ्लुएंट्स होगा इफ्लुएंट्स को कहाँ भेजा जाएगा रिवर में भेजा जाएगा ठीक है तो ये समझ में आ गई बात अब इसके एक्शन प्लान पे क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एक्शन प्लान होते हैं किसी भी वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने के लिए तो उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने इनिशिएट किया था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को ठीक है ताकि जो है वो जो मेजर रिवर्स हैं गंगा और यमुना इन दोनों को पॉल्यूशन से बचाया जा सके और इस प्लान के तहत क्या किया गया कि तो लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बिठाया जाए बिल्ड किया जाए और ताकि ट्रीट किया जाए सीवेज वाटर को ठीक है जो कि डिस्चार्ज हो रहे हैं किसमें रिवर में सही है अब जो बायोगैस की भी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से बायोगैस भी निकलता है तो बायोगैस का एक और तरीका है जो निकलता है तो उसको हम लोग बायोगैस को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी अभी ये पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं तो देख लेते हैं बायोगैस एक्चुअली क्या होता है फिर ऑफ गैसेस होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मिथेन होता है और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है और ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है माइक्रोब जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट जो है वो ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म करते हैं और जो टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है माइक्रोब पे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे जो कि वो यूटिलाइज करेंगे उसी बेसिस पे वो गैस निकालते हैं ठीक है कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनरबिकली सेलोलोजिक मटीरियल पे ग्रो करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन सी ओ टू एन एच टू तो याद रखिएगा कुछ बैक्टीरिया जो एन अरबिकली ग्रो करते हैं तो वो सेलुलोजिक मटीरियल पे फीड करेंगे और एक्सपायर करेंगे एन अरबिकली सही है तो वो अमाउंट वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू को प्रोड्यूस करते हैं और इस बैक्टीरिया को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं मिथेनोजन कहते हैं क्योंकि वो लार्जली क्या प्रोड्यूस करते हैं मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और एक ऐसा जो कॉमन बैक्टीरिया है वो है मिथेनोबैक्टीरियम ठीक है मिथैनो बैक्टीरियम आर की बैक्टीरिया में आता है मिथैनो बैक्टीरियम की कुछ खास बातें हैं जैसे कि एक तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं एनोर्बिक स्लज डाइजेस्टर में अभी हम लोगों ने देखा कि एनर्बिक स्लज डाइजेस्टर था वहाँ पर भी ये मिथैनो बैक्टीरियम थे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में और ये बैक्टीरिया र्यूमन ऑफ कैटल में भी पाए जाते हैं ठीक है वैसे जगहों पर पाए जाएंगे जहाँ पर सेलुलोजिक मटीरियल बहुत ज़्यादा होगा और जो कैटल के फूड्स होते हैं उनमें सेल्लोजिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है र्यूमन में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाएगा और र्यूमन में क्या करता है ये ब्रेकडाउन ऑफ सेलोलोज करता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन ऑफ कैटल में सही है इसी वजह से जो स्क्रीटा होता है कैटल कैटल का स्क्रीटा जिसको हम लोग डंग कहते हैं गोबर कहते हैं वो रिच इन बैक्टीरिया होता है क्योंकि उनके र्यूमन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है इसी वजह से उनके गोबर में भी ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे और इसी वजह से जो डंग है वो गोबर गैस का जनरेशन करने में यूज़ होता है अगर हम लोग बायोगैस प्लांट की बात करें तो बायोगैस प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं एक कंक्रीट टैंक होता है एक फ्लोटिंग कवर होता है और एक आउटलेट होता है सही है तो ये है फ्लोटिंग टैंक ये जो है आउटलेट है ये वाला आउटलेट है और यहाँ पर कंक्रीट टैंक है सही है और एक स्पेंट सैलरी होता है ये स्लरी है जहाँ पर गोबर जाता है ओके तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट टैंक की ये जो है वो 10 से 15 फीट का होता है कंक्रीट टैंक जिसमें बायो वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है और इसमें स्लरी ऑफ डंग नीचे जो है वो स्लरी ऑफ डंग रखा जाएगा और उसमें बहुत सारे बायो वेस्ट भी डाले जाएंगे क्योंकि स्लरी ऑफ डंग में कैसा बैक्टीरिया होता है एन अरोबिक बैक्टीरिया होता है इस वजह से स्लरी ऑफ डंग भी डाला जाता है उसके बाद क्या होता है एक फ्लोटिंग कवर होता है ये जो फ्लोटिंग कवर है ये वाला ये फ्लोटिंग कवर क्यों होता है बता देते हैं ये फ्लोटिंग कवर इसलिए होता है ताकि जो यहाँ पर गोबर है ठीक है तो ये गोबर से जो भी गैस निकलेगी तो इससे क्या होगा ये जो फ्लोट करता हुआ टैंक है फ्लोट करता हुआ कवर है ये जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा जितना गैस भरेगा वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा ठीक है तो फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड होता है स्लरी के ऊपर ये जो स्लरी है इसके ऊपर प्लेस होता है और जैसे जैसे इसमें गैस भरता है वो राइस करता जाता है सही है उसके बाद बात करते हैं आउटलेट की जो कि कनेक्टेड होता है पाइप से ये है आउटलेट जो कि कनेक्टेड है पाइप से और ये बायोगैस सप्लाई जो भी नियर बाय हाउस होगा उसमें बायोगैस सप्लाई देगा उसके बाद एक स्पेंड सैलरी होता है जो कि रिमूव किया जाता है अनदर आउटलेट से और इसको फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल किया जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पर गैस वैस बन गया सारा मिथेन वगैरह बन गया तो यहाँ पे जो गोबर गैस बना वो तो यहाँ से आउटलेट से निकल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पे स्लरी जो होगा वो स्पेंड स्लरी से यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो एक और आउटलेट होता है जिससे फर्टिलाइजर्स निकाला क्योंकि जब वो पूरी तरह बैक्टीरिया बैक्टीरिया वो उस पर फीड कर गया तो वो जो है वो बच जाता है जो जो रिमेनिंग बच जाता है उसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं उसी को हम लोग स्पेंड सैलरी कहते हैं और वो एक आउटलेट से निकाला जाता है और वो क्या होता है फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल होता है खेतों वगैरह में जाता है ठीक है जो बायोगैस प्लांट होता है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होते हैं क्योंकि रूरल एरियाज में ही ज़्यादा गोबर वगैरह पाए जाते हैं इसी वजह से और बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है वो लाइटनिंग और कुकिंग में इस्तेमाल होता है और ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस की ये जान लें कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ए आई ने और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने इसको डेवलप किया था तो ये याद रखिएगा के और आई ने इसको डेवलप किया उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट की बात करते हैं तो बायो कंट्रोल एजेंट वो बायोलॉजिकल मेथड है ठीक है जो कंट्रोल करेगा प्लांट डिजीज को और पेस्ट को ठीक है ऐसे तो बायो कंट्रोल के लिए क्या होता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं तो वो लेकिन क्या होता है वो हार्मफुल होता है वो प्लांट के लिए भी हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होता है तो मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है इन सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्योंकि केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था इंसेक्टिसाइड्स का पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था ये केमिकल्स टॉक्सिक थे एक्सट्रीमली हार्मफुल थे ह्यूमन बींग के लिए भी एनिमल्स के लिए भी ठीक है प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल थे जाहिर सी बात है सॉइल वगैरह के लिए भी बहुत हार्मफुल हो जाते हैं सॉइल के लिए ग्राउंड वाटर के लिए तो ये सब टॉक्सिक हो जाते हैं जब केमिकल्स कोई भी प्लांट पे उस केमिकल्स का छिड़काव होता है तो ठीक है तो हमारा सॉइल भी जो है वो पॉल्यूट हो रहा था ओवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स की वजह से ठीक है वीड्स को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड्स पेस्ट को रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से क्या हो रहा था सारी चीज़ें टॉक्सिक हो रही थी तो जो हमारे हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था और इन्वामेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है इसीलिए मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ कि फार्मर्स ने अप्रोच किया एक बायोलॉजिकल फार्मिंग इसके तहत क्या करते हैं सबसे पहले जो है वो बहुत सारी लाइफ फार्म से फैमिलियर होना पड़ता है ठीक है फील्ड से प्रीडेटर से और पेस से इन सब से फैमिलियर होना पड़ता है जो भी वहाँ का एरिया जो भी एरिया होगा जहाँ पे फार्मिंग करनी है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों से फैमिलियर होना पड़ता है उसके बाद लाइफ साइकिल्स को जाना पड़ता है इन सब की लाइफ साइकिल जो प्रीडेटर्स हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या है है ना उसके बाद पैटर्न ऑफ़ फीडिंग के बारे में जानना पड़ता है उनके हैबिटेट के बारे में जानना पड़ता है ये सारी चीज़ें देख करके और उसके बाद एक बायो कंट्रोल जो है वो अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल को है ना डेवलप करते हैं तो वो हेल्प करेगा बायोलॉजिकल फार्मिंग में ओके बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज है उसमें देख लेते हैं एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक मेथड है जो कि कंट्रोल करता है पेस्ट को और वो रिलाई करता है नेचुरल प्रेडेशन पे और वहाँ पे केमिकल इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे सिर्फ नेचुरल प्रेडेशन होता है जो नेचुरल प्रिडेटर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं उनका ये बिलीफ है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो फर्दर उसका हेल्थ जो है वो डेवलप होगा ठीक है तो बायोडाइवर्सिटी का जो हेल्थ अगर डेवलप होता है तो जाहिर सी बात है जो बायोडाइवर्सिटी में रहने वाले लोग हैं जो भी रहने वाले फ्लोरा एंड फाउना हैं उन सब का भी जो है वो हेल्थ जो है वो डेवलप करेगा तो फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं वो एक वो वर्क करते हैं और क्रिएट करते हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे इंसेक्ट जो होते हैं जिसको हम लोग पेस्ट कहते हैं उनको इराडिकेट नहीं किया जाता उनको खत्म नहीं किया जाता जबकि उसको मैनेजेबल लेवल पे रखा जाता है और वो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू होता है और बैलेंस करते हैं लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम को ठीक है उसमें देखिए लेडी बर्ड जो कि रेड और ब्लैक मार्किंग की होती है वो यूजफुल होती है एफिड्स को रोकने के लिए ड्रैगन फ्लाई को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि मॉस्क्यूटो से बचा जा सके उसके बाद जो है वो एक और है बैसिलस थोरीजेंसिसिस इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे है ना तो ये क्या होता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है कंट्रोल करने के लिए बटरफ्लाई कैटरपिलर को और ये एक्चुअली सैशे में अवेलेबल होता है जो ड्राइड स्पोर्ट होता है और इसको क्या करना होता है बस मिक्स करना होता है वाटर के साथ उसके बाद स्प्रे करते हैं जो भी प्लांट है जो भी वल वलनरेबल प्लांट है जैसे कि ब्रासिका है फ्रूट ट्रीज है उन सब पे क्या करते हैं स्प्रे कर देते हैं तो ये क्या करता है जब भी उसमें कैटरपिलर लावी जो है वो लगती है तो वो जैसे ही उस पत्ते को खाएगी तो उसके गट में क्या होगा एक टॉक्सिन रिलीज होगा और उस टॉक्सिन रिलीज होने से क्या होगा लावी जो होगी वो मर जाएगी ठीक है तो कैटरपिलर मर जाएगी लेकिन जो अदर इंसेक्ट है वो अनहार्म रहेंगे तो बस बैसिलस थ्यूरीजेंसिस का यही काम है कि वो गट ऑफ द लार्वी में जाती है और फिर क्या करती है टॉक्सिन रिलीज करती है और टॉक्सिन रिलीज करने से वो लार्वी सिर्फ मरती है और कोई चीज नहीं मरता ठीक है कोई इंसेक्ट और नहीं मरेगा तो और बैसिलस थ्योरीजेंसिस जो है वो इसके अलावा जो बैसिलस थोरीजेंसिस टॉक्सिन है वो जीन वो प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया बाद में ठीक है साइंटिस्ट ने क्या किया जो बैसिलस थीजेंसिस का जीन था वो प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया और फिर वैसे प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट पे से रेजिस्ट रेजिस्टेंस उनको मिल जाता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बी कॉटन हम लोग पढ़ेंगे बी कॉटन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में उसके बाद है ट्राइकोडर्मा जो कि फंगस है ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंजाई है जो कि रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन है ये इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है बहुत सारे प्लांट पैथोजन के लिए ठीक है और इसको डेवलप किया गया प्लांट डिजीज को ट्रीट करने के लिए फिर एक और आता है एक्चुअली है जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट को और अदर अदर ऑर्थोपोट को जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस यूज जो होता है वो बायो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह जिसमें जो जीनस न्यूक्लियो पोलीहाइड्रोवायरस है वो सबसे ज्यादा कॉमन है ठीक है इसी जीनस का सबसे ज्यादा बैक्यूलो वायरस यूज हो जाता यूज होता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ये जो वायरस होते हैं वो स्पेशीज स्पेसिफिक होते हैं यानी किसी भी स्पेशीज़ को आ, से स्पेसिफिक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के नहीं होते हैं, और ये इंसेक्टिसाइडल होते हैं ठीक है नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल होते हैं ठीक है और ये कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखते प्लांट्स पे एनामल्स पे बर्ड्स पे ठीक है फिशज पे या फिर नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स को भी ये हार्म नहीं करते और ये यूज होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आई अब में, बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स तो बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है और बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनरिच करते हैं न्यूट्रियन क्वालिटी ऑफ द सॉइल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मेन सोर्स है वो बैक्टीरिया है फंजाई है और सियानोबैक्टीरिया है तो एक एक करके पढ़ लेते हैं तो जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स में जैसे बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में ये सारा एन में दिया हुआ है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया में एजो स्प्रीलम एज डोबैक्टर और बिजरिंकिया है और फ्री लिविंग एनरोबिक बैक्टीरिया में एरोडो स्प्रिलम है पूछेगा ये कहाँ का है तो ये एलेवंथ की बुक में है आपको मिल जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन में ओके सिम्बायोटिक विथ लेजिमनस प्लांट में राइजोबियम है ठीक है और इस ये रूट नड्यूल से एसोसिएट होता है ओके okay? और ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स और जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स में नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है वो प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेता है फिर नॉन एजिमनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फ्रेंकिया फ्रेंकिया एल्नस के रूट के साथ ओके okay? तो ये बैक्टीरिया के बारे में बात हो गई फंजाई के बारे में देख लेते हैं फंजाई भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है हायर प्लांट से जैसे कि पाइनस में पाइनस में माइकोराइजर होता है पाइनस के रूट में और ये जो मोस्टली जो जेनस जीनस ग्लोमस जो होता है उससे मोस्ट मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं फंगल सिम्बायउ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस सॉइल से और पास कर देते तो हैं प्लांट को और प्लांट बदले में क्या करता है प्लांट बदले में शेल्टर प्रोवाइड करता है तो इससे क्या होगा जो माइकोराइजा है वो अगर एसोसिएशन कर लेते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो उससे और क्या चीज़ें होती हैं इसके अलावा कि वो फॉस्फोरस दे रहा है प्लांट को उसके अलावा जो रेजिस्टेंस हो जाते हैं रूट बॉर्न पैथोजेंस के टॉलरेट हो जा टॉलरेट कर सकते हैं सैलिनिटी को ड्राउट को और ओवरऑल प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है डेवलपमेंट अच्छा होता है अगर हम लोग सैनोबैक्टीरिया की बात करें जैसे कि एनाबेना नॉस्टॉक स्टॉक ऑसिलिटोरिया इन सब की बात करें तो ये सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं है ना ये जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एग्जाम्पल मैंने बता दिया एनाबीना एनाबीना नॉस्टॉक और ऑस्लिटोरिया सैनोबैक्टीरिया अगर हम लोग पैडीफिल्स की बात करें तो सैनो सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स और इसमें जो सैनोबैक्टीरिया यूज होता है वो होता है एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी ऑर्गेनिक मैटर को भी ऐड करते हैं सॉइल में और इंक्रीज कर देते हैं फर्टिलिटी को और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बहुत कमर्शियली जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि रिप्लेनिश करते हैं सॉयल न्यूट्रिएंट को और रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स पहले इस्तेमाल हुआ करते थे अब इस्तेमाल नहीं होते तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय